राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सेना के इसी जवाब में पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए हैं। भारतीय सेना ने पुंछ में हुई फायरिंग का करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान लगातार बीते दिनों से बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करता आया है। भारत के द्वारा लगातार दी जा रही चेतावनियों के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं माना और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ही भारतीय फायरिंग में 3 जवान मारे गए हैं। ये जवान रावलकोट के रखचिकरी सेक्टर में तैनात थे। तीनों मारे गए जवानों में जंग के सूबेदार मोहम्मद रियाज, लॉन्स के हवलदार अजीज उल्लाह और एबटाबाद के सिपाही शाहिद मनसीब शामिल है। बता दें कि सोमवार को पाकिस्तान ने पुंछ में सीज फायर तोड़ा था और गोलीबारी की थी जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया था। साथ ही एक 6 साल का बच्चा भी पाकिस्तान की गोलीबारी में मारा गया था। उधर पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही में भी पाकिस्तान के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।